आज से 10 दिनों तक चलने वाले गणपति उत्सव की धूम शुरू हो गई है। सुबह से ही गणपति के पंडालों में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दे रही है। पंडालों के अलावा घर घर में भी अब गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। खासकर मुंबई में जगह जगह शानदार पंडालों में गणपति विराजमान किए गए हैं। इस मौके पर भक्तों की भीड़, भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और इसी भक्तों के सैलाब को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, साथ ही बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए भी विशेष कंट्रोल रूम इन 10 दिनों के लिए बनाए गए हैं। तो आज से गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और आज से लेकर 15 सितंबर तक 10 दिनों तक गणेशोत्सव की धूम देखने को मिलेगी। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं लाल बाग के राजा की तस्वीर है। लाल बाग के राजा सबसे विशाल प्रतिमा और एक आकर्षण का केंद्र, दूर दूर से लोग इस दौरान यहाँ पर आते हैं। विशेष पूजा अर्चना इस दौरान की जाती है और आज विशेष आरती भी की गई, विशेष पूजा की गई। जब स्थापना जो मुहूर्त है उसके अनुसार जब स्थापना की गई और उसके बाद में जैसे ही जो श्रद्धालु हैं उनके लिए जब मंदिर के पट खुले तो उसके बाद में मानो जन सैलाब यहाँ पर, भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा गणपति के दर्शन करने के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मुंबई में इस दौरान एक अलग ही छटा देखने को मिलती है और सीधे रुक करते हैं मुंबई का ही, जहां से अलग अलग क्षेत्रों से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वडाला से हजारा भी हमारे साथ में हैं, तो अंधेरी से शिखा धारीवाल हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले शिखा के पास चलते हैं। शिखा, अंधेरी की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरह का नजारा आप गणेश उत्सव का देख रहे हैं? सुबह हो चुकी है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है स्थापना जो है वो अब आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल नैना, इस वक्त हम अंधेरी के राजा के पंडाल में खड़े हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुंबई के हर एरिया में गणपति की धूम मची हुई है, इसी तरह से यहाँ पर भी हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर 8 फुट की जो गणपति बप्पा की मूर्ति है उसकी स्थापना हो चुकी है, लेकिन जो अभी पूजा अर्चना है उसके लिए भी तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर अभी लोग इकट्ठा हुए हैं, पुजारी इकट्ठा हुए हैं, तो वो बस 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर पूजा अर्चना करना शुरू करेंगे। 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर बहुत सारे ढोल नगाड़े वाले आएंगे और एकदम रिचुअली, बहुत ही एकदम ट्रेडिशनली अवतार में वो होंगे और उसके हिसाब से 10:30 बजे यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं नैना, मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये जो गणपति की, जो अंधेरी के गणपति की खासियत ये रहती है कि ये जो मूर्ति होती है ये मन्नत की मूर्ति मांगी जाती है और इसके लिए 2056 तक एडवांस में लोगों ने अभी तक बुकिंग करके रखी है और वो हर साल हर किसी की ये तमन्ना होती है कि वो यहाँ पर अपनी मन्नत की मूर्ति दे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अंधेरी के जो राजा हैं वो सभी की मन्नत पूरी करते हैं। तो जैसे ही सबकी मन्नत पूरी होती है तो सभी की कोशिश यही होती है कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी जो उनकी मन्नत पूरी हो गई है उसकी मूर्ति यहाँ पर लगाएं। तो इसी तरह से 2056 तक यहाँ पर लोगों की एडवांस बुकिंग चल रही है और जो इनफैक्ट जो कुछ श्रद्धालु हैं गणपति बापा के चाहने वाले, उन्होंने तो यहाँ पर लॉटरी सिस्टम भी निकाला हुआ है, तो वो भी 2056 यानी कि बिल्कुल विघ्नहर्ता हैं और सभी की मनोकामना पूरी करने वाले गणेश जी हैं और यही वजह है कि एक खास आकर्षण यहाँ पर देखने को मिला। ये तो बात हो गई अंधेरी की, अब वटाला का रुख करते हैं। हाजरा भी हमारी सहयोगी यहाँ से हमारे साथ में है। हाजरा भी, जिस तरह से हम आपसे जान रहे थे पहले भी हमने बात की, यहाँ पर एक विशेष आकर्षण का केंद्र देखने को मिलता है, यहाँ की जो एक जो जो प्रतिमा बैठाई जाती है, अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भक्तों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी भक्तों का उत्साह आज बिल्कुल देखने लायक है। यहाँ पर जैसे कि सुबह 5 बजे से तकरीबन लोग मंडाल के बाहर आना शुरू हो गए हैं। कई भक्त अपने घर से यहाँ पर चलकर आए हैं क्योंकि उनकी मन्नत है, वो चाहते हैं कि इस साल बप्पा उनकी मन्नतों को, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करें। इस वक्त कुछ भक्त भी हमारे साथ में मौजूद है जो अपने घर से यहाँ तक पंडाल तक कई किलोमीटर का जो सफ़र है वो चलकर यहाँ पर आए हैं बप्पा के एक दर्शन के लिए। सर, आपने हमें बताया था कि आप जो है अपने घर से घाटकोपर से यहाँ पर चलकर आए हैं, तो आप बताएं कि मतलब कितने उत्साहित हैं और यहाँ पर बप्पा के दर्शन आपके लिए कितना मायने रखते हैं? ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए क्योंकि ये हमारे पूरे हिंदुस्तान का महोत्सव है गणपति बापा का और ये लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था और यहाँ पे GSP की तो बात ही अलग है। पूरी शास्त्रोक्त विधि से घनु माँ गणपति जी का हवन होता है 5-5 दिन सवेरे
और इतने बड़े या संस्कृत में श्लोक बोलते हैं यहाँ के पंडित लोग कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। बिल्कुल हर्षा जी, हम समझ सकते हैं बिल्कुल जिस तरह से भक्त बड़ी दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, और आज हम ये भी चाहेंगे कि आप भी कैमरा पर्सन से बोल के वहाँ का नज़ारा दिखाएं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं पीछे भक्तिमय पूरा माहौल है और किस तरह से खास तैयारियाँ की जा रही हैं। जी मैं बिल्कुल अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो यहाँ का नज़ारा जो है मेरे पीछे से लेकर कान करते हुए पूरा भक्तों तक दिखाए कि जैसे कि यहाँ पर हजारों सैकड़ों भक्त यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। लोग एक दर्शन के लिए सुबह से यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गणपति का एक दर्शन या फिर उनके सामने आकर खड़े हो जाए, उनके सामने अपनी दुआओं को रखते हैं तो वो ज़रूर पूरा होती है। तो एक साल का कड़ा इंतजार या तपस्या के बाद में जब दर्शन यहाँ पर पापा के होते हैं तो ऐसे में वो अपनी मनोकामनाओं को सामने रखते हैं। तो हवन पूजन किया जा रहा है और जो पूजा अर्चना का दौर है वो शुरू हो चुका है। आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है और कुछ इसी तरह का नजारा पूरे देश में देखने को मिल रहा है। तो ये हमने आपको तस्वीर दिखाई, जैसे हमने आपको सिद्धिविनायक की तस्वीर दिखाई, कुछ इसी तरह से लाल बाग के राजा की भी तस्वीर दिखाई और कुछ ऐसा ही नजारा पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम सबसे हटकर होती है। यहाँ पर अगले 10 दिनों तक हर तरफ आपको गणेश उत्सव का ही रंग नजर आएगा। जगह जगह भगवान गणेश की शानदार प्रतिमाएं लगाई गई हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं मुंबई में गणेश उत्सव का खास रंग। दुख हरता सुख करता, गणपति बप्पा का इंतजार खत्म हुआ। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के 10 दिनों के दौरान अगर श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश जी की पूजा की जाए तो जीवन की तमाम बाधाओं का अंत कर विघ्नहर्ता अपने भक्तों पर सौभाग्य, समृद्धि और सुखों की बारिश करते हैं। मुंबई के गिरगांव में मौजूद खेतवाड़ी के गणराज की अनुपम छटा तो किसी का भी मन मोह ले। यहाँ पर पिछले 58 साल से गणपति बप्पा की स्थापना हो रही है। इस साल राजस्थान और रोम के रजवाड़ों और रियासतों को इस मशहूर गणपति पंडाल में उतारा गया है। 14 फीट की बप्पा की मूर्ति और इस पूरे सेट को बनाने में तकरीबन 3 महीने का समय लगा। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के खेतवाड़ी चा राजा जो है वहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि इस साल कितनी भव्य तैयारी है वो की गई है। जो बापा हैं यहाँ पर गणपति बापा, उनके तन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोने के जो गहने हैं उससे उनका श्रृंगार किया गया है। आपको बता दें कि इन पूरे सोनों की जो कीमत है वो लगभग करोड़ों रुपये में बताई जा रही है। खेतवाड़ी चा गणराज के दर्शन करने के लिए रोजाना लाखों लोग आते हैं और बप्पा पर लाखों का चढ़ावा भी चढ़ता है, इसलिए इस पंडाल की सजावट से लेकर सुरक्षा तक में कोई कमी नहीं रखी गई है। 30 के करीब सीसीटीवी कैमरे पंडाल पर हर वक्त नजर रखते हैं। इस साल हमने रोम और राजस्थानी महल का एक कॉन्सेप्ट लेके दोनों का मिक्सचर करके एक नया थीम किया है। जो इस टाइम जो डायमंड वर्क किया है तो वो स्वामी नारायण जी भगवान है, उनके स्वरूप में हमने कुछ दिखाया, उनका तिलक जो है उसकी तरह हमने पूरा सेफ दिया हुआ है। गुणाधीश तू धूम्रवर्ण तू लंबोदर तू गजानन तू श्री गणपति तू देव जय मंगल मूर्ति। जितने भक्त उतनी तरह की भक्ति। मुंबई में कुल 300 से ज्यादा छोटे बड़े गणेश उत्सव मंडल हैं। मुंबई के लोअर परेल में एक साथ गणपति के 108 रूपों के दर्शन हो जाते हैं। सुमित पाटिल के पंडाल की खासियत ये है कि यहाँ पर बप्पा की आकृति ज्यादातर उन लोगों ने बनाई है जो खुद जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने यहाँ काम किया है, बहुत लोगों से गणपति करवा के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि हर गणपति एक मुझे अलग कुछ बोल रहा था, बता रहा था, और आई होप ये सबको बोल रहा है और ये लोगों को लेके हमें एक साथ चलना चाहिए। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जिसने ये कारीगरी की है वो अपनी आंखों से इस दुनिया को देख तक नहीं सकती। मानश्री ने अलग अलग रंगों के ऊनी धागों का इस्तेमाल कर पप्पा की ये छवि तैयार की।
तब हम कलर्स देख नहीं सकते हैं, लेकिन स्पर्श से हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ खेलते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रंगों से हम हर तरह की ड्राइंग्स बनाते रहते हैं। आजकल इको फ्रेंडली होने का चलन है। हैदराबाद में बड़े पैमाने पर इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां बनाई गई हैं। कहीं बाहुबली के अंदाज में शिवलिंग उठाए गजानन, तो कहीं बाइक पर सवार मूसक राज, तो कहीं हनुमान या कृष्ण के रूप में लंबोदर। तैयार हो जाइए, क्योंकि कृपा बरसाने फिर आ रहे हैं गणपति बप्पा। शिवांगी ठाकुर, मुंबई, IBN 7। तो देखा आपने किस तरह से सज चुके हैं जगह जगह पंडाल और गणेश जी को विराजित किया जा रहा है। उदय हमारे सहयोगी हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं और लाल बाग के राजा से के दर्शन हमें करवा रखे हैं। उदय, जहां पर आप मौजूद हैं यहां पर एक अलग ही रंगत देखने को मिलती है। इसके पहले भी हमने जब देखा था भक्तों का सैलाब यहां पर था, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा भक्तों की संख्या भी ऐसी ही बढ़ती चली जाएगी। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या तैयारियाँ की गई हैं और इस वक्त वहाँ क्या नज़ारा है? भी यहाँ पर लाखों की जो गणेश भक्त है, लाखों की संख्या में वो यहाँ पर आए हैं। करीब 5 दिन से लालबाग के राजा के दर्शन के लिए यहाँ पर गणेश भक्त जो है लाइन में कतार में खड़े थे। अभी भी दर्शन जो है वो चालू है और दर्शन जो है वो सही मायने पर, मतलब सही, किसी को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए यहाँ पे जो गणेश भक्त जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो काफी मेहनत भी कर रहे हैं। और यहाँ पे सुरक्षा के बारे में अगर कहा जाए तो सुरक्षा काफी बढ़ाई गई है, क्योंकि लालबाग के राजा जो मंडल है वो मुंबई का सबसे बड़ा गणेश उत्सव मंडल है। यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सुरक्षा का इंतजाम है वो भी काफी बड़ा रहता है। काफी पैमाने पर 24 घंटे यहाँ पर गणेश भक्त रहते हैं। काफी VIPs भी आते हैं, काफी सेलिब्रिटीज भी आते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी रहती है वो काफी बड़ी रहती है। किस तरह का पूरा नियोजन हम जानना चाहेंगे, आप जानेंगे। हमारे साथ अभी मंडल के जो प्रमुख है वो अभी हमारे साथ है। सुधीर जी बताएं किस तरह से अभी यहाँ पर नियोजन है और खासतौर पर सुरक्षा के लेकर आप किस तरह से इंतजाम जा सकते हैं? लालबाग का राजा, ये लाखों करोड़ों भाविक का श्रद्धा स्थल है। बिल्कुल, लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, और यही वजह भी है कि इस भीड़ को देखते हुए और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रशासनिक तौर पे भी खास तैयारियां की गई हैं, और जो पंडाल संयोजक है उनकी ओर से भी विशेष व्यवस्था सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। गणपति बप्पा मोरिया, जी हाँ, कुछ इसी तरह की गूंज आज पूरे भारत में सुनाई दे रही है, क्योंकि आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है और इसकी धूम सभी जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रखे हैं गणेश उत्सव की, किस तरह से तैयारियां की गई, गणेश जी को लाने की किस तरह से तैयारी की गई। राजकोट, मुंबई, रायपुर की ये तीन तस्वीरें, और कुछ इसी तरह का नजारा पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। बच्चे से लेकर बड़े तक सब गणेश जी के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए थे, और इस बार इको फ्रेंडली जो प्रतिमाएं हैं उन्हें बढ़ावा जरूर दिया जा रहा है, और बच्चों ने भी मिट्टी से बनी इन प्रतिमाओं को बनाकर कुछ इसी तरह का संदेश दिया। मुंबई और रायपुर की तीन तस्वीरें, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन IBN 7 पे खबरों का दौर लगातार जारी है।